यूट्यूब फैमिली कैसे हैं? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, लग रहे हैं आप भी ठीक हो? अब मैं जा रहा हूँ स्कूल। तो भी दुआ करें इसके जो है ना एग्ज़ाम होने वाले, तो अल्लाह करे ये पास हो जाए। तो अभी चलते हैं स्कूल, वसीम को छोड़ते हैं, उसके बाद जो दुनिया की रूटीन है इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह करे हंसते रहो, बसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो। सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए, अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। चलो जी, तो भी कल से यही बातें, बहुत सारी दुश्मनों को बहुत सारी आग लगी जब सितारा बेटी ने मेटअप रखा। दुश्मन भी वहाँ थे, दोस्त भी वहाँ थे। वो जो दुश्मन नहीं आ सके, हेटर नहीं आ सके, तो उन्होंने किसी और को भेज दिया भी चलो कोई बात हेट वाली ज़रूर करनी आप लोगों ने जाके वहाँ। तो सितारा बेटी ने तो पहले ही भाई हेटरों के लिए ना सिक्योरिटी गार्ड बुला लिए थे, दो गाड़ियाँ थी वहाँ। तो ये मशवरा हमारा पहले ही हो चुका था भाई, ये भी कोई ना कोई दुश्मन भी आ सकता है, तो आपको बच्चों को भी बिल्कुल ना अपने साथ रखना है, बच्चों का बहुत सारा ख्याल करना है। और भाई दुश्मन भी होंगे तो आपने सबको, किसी को नहीं कहा भी मेरे दुश्मन नहीं आए, दोस्त आए, उसने कहा सब आ जाए भाई जो मुझे मिलना चाहते हैं। लेकिन उसकी आपने, उसने खुद बता दिया भी मेरी इतना अरेंज नहीं थी, इतने सोच नहीं थी जितना आप मतलब मुझे मिलने आए लोग। तो बहुत शुक्रिया उनका जो दिल से मिलने आए, उनका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, खुश रखे। तो अगर ये छुट्टी वाला दिन होता तो और भी ये पब्लिक ज़्यादा होती वहाँ। चलो जी, तो पहले तो बात ये है कि किसी का ख्याल नहीं था कि सितारा आएगी और भाई ये 1 मिलियन वाला जो है ना केक वहाँ के सबके साथ काटेगी और 1 मिलियन की सबको मुबारक देगी और सबको मौका देगी कि आए और मेरे साथ खुशी मनाएं 1 मिलियन की। सब ने सोचा था भी चलो भी वो तो छोड़ के कराची को चली गई इस्लामाबाद, अब कभी नहीं आएगी यहाँ। तो नहीं, वहाँ भी उसका घर है, वहाँ भी उसके प्लॉट है, वहाँ भी उसके अपने, तो उसने ज़रूर जाना था। तो एक मीटअप नहीं, ये तो सितारा बेटी ने पहले ही कह दिया था जब 1 मिलियन हुआ था, तो मैंने वो 2-3 मीटअप रखने, तो पता नहीं पहला तो रख चुकी, पता नहीं दूसरा पंजाब में रखते हैं या फिर जाके इस्लामाबाद में रखती हैं, ये तो भाई वक्त ही बताएगा। चलो जी, तो भाई बात करते हैं, जो भाई एक बेटी बहन आई हुई थी जो छोटी से सवाल कर रही थी आया से भी, ये आपकी बिल्ली को क्या हुआ, किसने मारा था? भाई आप 1 मिलियन की खुशी पर आए थे या छोटी बच्ची को जो है ना ये बातें हमारे घर की पूछने आए थे, ये भी किसने मारा था, क्यों वो बिल्ली आपने ख़रीद के दी थी या पहले आप केयर उसकी आप करते थी? तो भाई ऐसी सोच को बंदा घर घर क्या, ये खुशी का मौका था, आप मुबारकबाद देने आए थे तो आप मुबारकबाद देते, छोटी बच्ची से सवाल कर रहे हैं ताकि आप एक्सपोज करना चाहते थे भी कोई ना कोई ऐसी बात निकल आए। लेकिन जैसी बात थी वो छोटी बच्ची ने भी आपको वैसे ही कहा नहीं, उसको तो चोट लग गई थी। लेकिन कितना दिन सितारा बेटी भी अफसोस में रही थी और सारे बच्चे परेशान थे उस छोटी सी बिल्ली की वजह से, भी सब उसे प्यार करते थे, बच्चे भी बहुत प्यार करते थे। तो भाई आपको ज़्यादा फिक्र हो गई थी उस बिल्ली की, क्योंकि जो पाल रहा होता है किसी जानवर को ना उसकी केयर भी करते हैं, बहुत प्यार करते थे उसके लिए। देखा ना आपने कैसा खूबसूरत सा उसने बैग बनाया हुआ था, जहाँ भी जाते थे उसको साथ लेके जाते थे, खाना पीना उसका सबसे पहले उसके केयर करते थे। तो आपको मेरे ख्याल में ज़्यादा कुछ सोच लगी हुई थी भाई हम इसे पूछे, छोटी बच्ची से पूछ ले। और जो आपने उंगली ऐसे की ना बच्ची पर, वो मुझे अभी तक दुख है कि आप मतलब धमकी से बोल रही हैं, हाँ बताओ वो उस बिल्ली को क्या हुआ था। तो आपको सामने ही उस बच्ची हमारी छोटी सी ने जवाब दिया कि उसे चोट लगी थी, तो उसको चोट लगी थी। तो मैडम आपको क्या परेशानी थी उस बिल्ली की वजह से? नहीं, क्योंकि आप शायद हेटरों की तरफ से आई थी, तो भी किसी बात को जाके आसपास करें आप। और दूसरा भाई और आ गया, भाई यहाँ खाने का इंतज़ाम नहीं है। तो भाई वहाँ मुबारकबाद देने थे, मीटअप था, तो भाई 1 मिलियन का केक काटना था, तो पब्लिक इतना आ चुकी थी माशाल्लाह से, देखने वाले जो हैं वो देख चुके माशाल्लाह, बहुत पब्लिक थी, कुर्सियाँ कम पड़ गई, तो सब लोग ही मतलब खड़े होकर, वो भी सितारा बेटी भी परेशान हो गई। तो भाई मैं इतना बंदों को कहाँ मिलूँ और सबके साथ तस्वीरें और ये वो मतलब सबको जवाब देना बहुत मुश्किल पड़ गया था। खैर ये हमारी बेटी को भी ये दिन जो है ना मुबारक हो,
जलने वाले तो जलते रहेंगे, हम आगे चलते रहेंगे। तो हमारी दुआएं सारा बेटी के साथ हैं। तो भाई दूसरा मीटअप कहाँ रखती हैं? अम्मी को लेके दूसरा मीटअप जो अब होगा ना सितारा बेटी का, वो अम्मी के साथ ही होगा। तो अब जब कराची से आएंगी तो अम्मी को लेंगी, उसके बाद दूसरा मीटअप रखेंगी। कहाँ रखती हैं वो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत जल्द पता लगेगा। तो लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे भी 200 बंदा था। अरे भाई कितना सारे बंदे थे, वो 200 तो कुर्सी थी तो उस पर लोग बैठ नहीं सके, तो उसको कितना मतलब लोग खड़े हुए थे आप देख रहे थे, इतना हजूम था। लेकिन यार आप लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि जो मानने वाला वो मान जाता है। खैर अल्लाह ताला उसे सलामत रखे, हमारी बेटी को भी ऐसे लाखों खुशियां दे, उसके बच्चों को उनको तरक्की दे। तो भाई हमारे दुआएं उसके साथ हैं। तो भाई जो दूसरा काम सितारा बेटी ने किया, मैंने कहा था आप लोगों को भी, जो हिम्मत दिलाई फातिमा बेटी को कि मैंने भी ये वक्त देखा है तो आप पर आ गया, तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, आगे बढ़ना है, मैं भी आपके साथ हूँ। तो सितारा बेटी ने भाई बहुत हिम्मत दिलाई फातिमा को, तो वैसे भी वो उसके साथ ही है। तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द मसला हमारा ये जो है ना अल्लाह करेगा अभी सितारा बेटी हल कराएगी, हम भी साथ लगे हुए, जल्द जो है ना इंशाल्लाह डीडी और इनका जो है ना जल्दी कोई सिलसिला बहुत सा अच्छा सा हो जाएगा। ये चंद दिन चार दिनों की चांदनी है, फिर अंधेरी रात हो जाएगी। तो डीडी साहब ज़रूर वापस आएंगे, अभी खुशियाँ मना लें अपने ससुराल के यहाँ। भाई तुम्हें वापस ज़रूर आना होगा अपने बच्चों के पास, बहुत जल जाए। तो खैर तो जी दूसरी बात करूँगा आपने जी नजमा साहब पर, नजमा साहब को अगले दिन भी मैंने कहा था अभी आप शादी वाले दिन जब वो गंदम लेने आए तो भुट्टे आए आपके घर में, तो उस टाइम तो फारूक नहीं था घर में, ताकि आप उसे जो है ना गंदम, फिर उसने कहा मुझे भी चाचू ये जो गंदम थी ना अगले साल वाली थी तो ये बिल्कुल ना इसे कीड़े खा रहे थे, वो सुसरा जैसे लग जाता है वो हो गया था। तो मैंने सफाई कराई रखाई, लेकिन उस टाइम गंदम थी 2000 रुपये मन, भाई साहब ने जब गंदम रखाई थी तो 2000 रुपये मन थी, अब 5-5.5 हज़ार रुपये मन है गंदम। तो उसने कहा चाचू हम सब गंदम इसको दे चुके हैं, तो अभी जो है ना फिर ये बोर्टे भेज रहे हैं, तो फारूक भी घर नहीं है, वैसे भी हम अपने तरफ से भी मन दो मन दे देते, इनका बचते नहीं है हमारी तरफ, लेकिन हम दे देते। तो मैंने कहा भाई अब सब कुछ हो गया, ज़मीन वाला मसला हल हो गया, तो आप ऐसे करें कि मन दो मन वाला भी मसला हल ही कर दें, छोड़ें कोई बात नहीं। तो सलू साहब को भी गंदम नहीं मिली, आ उसको वही गुस्सा है कि मुझे गंदम नहीं मिली, लेकिन गंदम आपका अबू पहले ले चुका था, तो उस टाइम 2000 रुपये मन थी, अब वो 5000 रुपये मन भी है तो वो फारूक दे चुका है आप लोगों को। लेकिन अब पता नहीं आप लोगों का गुस्सा क्यों नहीं रुकता भाई फारूक पर। अच्छा भाई तो दूसरी बात करूँगा अपनी ज़िंदगी के बारे में भी, हम कैसे परेशानी में थे, कैसे कैसे हमारे वक्त गुजरे, हालात गुजरे। जो हमारे पास ना भाई अपना कराची में जब हम जाते थे तो हमारे पास एक मतलब कमरा लेना पड़ता था किराए पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भाइयों का सितारा बेटी के अपने ही कमरे अपने ही मकान है, तो अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ाया भाई। तो अच्छा भी कुछ और बात भाई, अरे भाई भूल गया रे, अरे भाई कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कस्में उठाई हुई थी कि हमने सितारा बेटी को हाथ भी देने ना बुलाना भी नहीं है, और वो लोग भी मौजूद थे। रे भाई क्या बात है भाई, तो जब मैं जा रहा था ना सितारा बेटी ने जब मुझे शादी पर बुलाया था फातिमा बेटी पर, तो तब वो लोग कह रहे थे भी हमने कभी किसी से बात भी नहीं करनी उन लोगों से, तो वो लोग भी मौजूद थे अभी, आप लोगों को भी मुबारक हो आप लोग भी मौजूद थे वहाँ, तो नाम नहीं लूँगा भाई उन लोगों का। अच्छा अभी तो दूसरी बात है अभी बाबर साहब का बहुत शुक्रिया, बहुत खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन ध्यान भी ऐसे रखा जैसे बहन भाई का रखता है। तो बाबर ने कैमरामैनी भी की, ध्यान भी बिल्कुल मैं देख रहा था उसका बिल्कुल सितारा की तरफ था भी, कोई मतलब परेशानी ये वो पब्लिक इतना आ चुकी थी बिल्कुल, वो उसका ध्यान अजीब सा हो चुका था। कभी उसने ये भी नहीं, वो कहता मैंने कभी नहीं सोचा था भी इतना बंदे आ जाएंगे बंदियाँ आ जाएंगी। तो बहुत शुक्रिया प्यार करने का, आप लोग जैसे प्यार से आए
जो कुछ श्लोक आए दुश्मन तो उनकी कोई बात नहीं, हमने रिएक्शन आई हमारी बेटी उसका भी बहुत शुक्रिया भाई। पहले तो उसकी वॉइस सुनते थे, आज वो सामने आई है तो उसका भी बहुत शुक्रिया भाई। कराची वालों सब की बहुत शुक्रिया जो कराची से आए, सबका बहुत शुक्रिया जितना भी कराची से आए थे भाई हमारी बेटी के 1 मिलियन की खुशी पर। आप लोगों को सबको मुबारक हो, क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर थे कुछ चैनल वाले थे तो जितना भी थे भाई सबका बहुत शुक्रिया। भाई अकबर भी वहाँ थे, वो भी अपना कदीर भाई भी आए हुए थे, तो सब भाइयों के साथ उसने तस्वीर भी मतलब बना रहे थे तो बहुत खुश नज़र आ रहे थे भाई साहब भी वहाँ। तो भाई अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, हंसता मुस्कराता रखे और अपने हिफ्ज अमान में रखे। तो मिलते हैं कल कुछ आप लोगों के लिए अच्छा लेके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन दुश्मन ऐसे जलते रहेंगे, हम आगे चलते रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो, मेरी बेटियों को मेरी बहनों को, तो वीडियो को लाइक शेयर अच्छे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और भी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ भी नहीं जाता आप लोगों का, मैं अगर सब्सक्राइब कर देंगे चाचा को तो भी मुझे बहुत ज़रूरत है आप लोगों की सपोर्ट की। जो भी सपोर्ट करते हैं अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, उनके बच्चों को, उनको जो मुझे देखते हैं उनको सलाम हो गया, प्यार हो गया। तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार रहूँगा कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार देते हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह ताला आप लोगों को जो भी मुझे देखते हैं या मेरे ख़ानदान वालों को देखते हैं, तारा बड़ी को देखते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।